हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि जब हम किसी बॉल को, किसी पार्टिकल को किसी पॉइंट से प्रोजेक्ट करते हैं किसी एंगल अल्फा से और विद वेलोसिटी यू, तो जो ये पाथ ट्रेस करेगा इसी पाथ को क्या बोल देते थे आप? ट्रेजेक्ट्री बोलते थे। अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, इस ट्रेजेक्ट्री में किसी भी एक पॉइंट पी के ऊपर उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, ये फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो हमने देखो जो स्टार्टिंग का आर्टिकल किया था उसमें क्या किया था, टी टाइम के बाद पार्टिकल की पोजीशन मानी थी पी, और इस पी के जो कोऑर्डिनेट थे आपके पास वो थे एक्स वाई, और यहाँ से हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी। क्या आई थी वो एक्स और वाई की वैल्यू? एक्स आपका आया था यू कोस अल्फा और वाई आपका आया था यू साइन अल्फा माइनस जी टी। ठीक है, यू कोस अल्फा टी, वाई क्या आया था यू साइन अल्फा टी माइनस जी टी। ये तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट आए थे, साथ में हमने वेलोसिटी भी निकाली थी डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी। बिल्कुल स्टार्टिंग के आर्टिकल में देखो यहाँ पे, तो वो वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या आए थे, यू कोस अल्फा, और वो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन थी वाई वाली उसमें वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या आया था आपके पास, यू साइन अल्फा माइनस जी टी। तो इस पॉइंट पी के ऊपर आपके पास वेलोसिटी क्या आई थी, एक वेलोसिटी तो क्या आई थी आपके पास डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू यू कोस अल्फा, दूसरी डी वाई बाई डी टी कितनी आई थी आपके पास यू साइन अल्फा माइनस जी टी। अब देखो उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर आपने मान लिया इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है v, और ये जो वेलोसिटी है होरिजेंटल के साथ एंगल कितना बनाती है आपका, थीटा बनाती है। तो देखो करो इसको रिजोल्व, v क्या है वेक्टर क्वांटिटी, इस डायरेक्शन में इस v का जो कंपोनेंट होगा वो क्या आ जाएगा v cos थीटा, और इस डायरेक्शन में v का कंपोनेंट क्या आएगा v sin थीटा। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी का कंपोनेंट होरिजेंटल के अलोंग v cos थीटा, और यहाँ पे आपका होरिजेंटल के अलोंग क्या है कंपोनेंट वेलोसिटी का u cos अल्फा, तो इसका मतलब दोनों कंपोनेंट क्या होंगे सेम होंगे, मीन्स u cos अल्फा इज इक्वल टू v cos थीटा। ठीक है, सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए इस v का जो कंपोनेंट है वो क्या है v साइन थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या है ये, तो दोनों क्या होंगे आपके पास सेम होंगे, तो कहने का मतलब क्या आया आपके पास v साइन थीटा इज इक्वल टू u साइन अल्फा माइनस जी टी। ये आपके पास आ गई होरिजेंटल वेलोसिटी, ये आपके पास आ गई वर्टिकल वेलोसिटी। अब देखो जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू यू साइन अल्फा माइनस जी टी ओवर यू कोस अल्फा, ये आपके पास क्या आ जाएगी टेंजेंट थीटा की वैल्यू, और टेंजेंट थीटा का मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो ये आपको क्या देगी डायरेक्शन देगी वेलोसिटी की। ठीक है, किसी भी पॉइंट पी के ऊपर। फिर क्या करो इसको जब आप फर्दर सोल्व करोगे स्क्वेयर और ऐड करके, तो आपके पास एक इक्वेशन निकल के आएगी, वो इक्वेशन क्या है आपके पास वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस टू जी वाई, ये आपके पास क्या देगी वेलोसिटी का कंपोनेंट देगी किसी पॉइंट पी के ऊपर। ठीक है, तो इन दोनों रिजल्ट को याद रखो, इन्हीं के ऊपर बेस आपके क्वेश्चन है। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट की क्या स्टेटमेंट है, इफ एट एनी पॉइंट पी जब पैराबोलिक पाथ वेलोसिटी कितनी है आपके पास यू, इंक्लिनेशन कितना है अल्फा, तो आपको क्या शो करना है कि जो आपका पार्टिकल है वो मूव करेगा राइट एंगल टू दिस डायरेक्शन आफ्टर टाइम दिस। कहने का मतलब देखो क्या दे रखा है आपके पास, किसी पॉइंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी कितनी है यू, ठीक है ये आपके पास वेलोसिटी, और ये एंगल कितना है आपके पास अल्फा, तो आपको क्या शो करना है कि जो इसकी पार्टिकल जो है आपका वो राइट एंगल पे, राइट एंगल का मतलब इससे 90 डिग्री के ऊपर क्या करेगा मूव करेगा आफ्टर टाइम टी। ठीक है, कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा टी टाइम के बाद वो एंगल कितना होगा आपके पास पाई बाई टू, मीन्स ये वेलोसिटी और इस टाइम के ऊपर जो वेलोसिटी है आपकी ये, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा आपका वो क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा किसी टाइम टी के बाद, और वो टाइम कितना होगा आपका ये, आपको ये शो करना है। तो आपने क्या मान लिया
आपका जो पार्टिकल है वो यू वेलोसिटी से मूव करता है और इंक्लिनेशन एंगल कितना है आपका अल्फा, ठीक है। आफ्टर टाइम टी आपने मान लिया जो पार्टिकल है आपका वो किस पॉइंट पे पहुंच गया, पी पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट पी के ऊपर आपने मान लिया जो होरिजेंटल के साथ इसका एंगल है वो कितना मान लिया आपने, थीटा मान लिया। अगर ये एंगल थीटा है तो आपका ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब इसके बाद देखो, ये एंगल आपका अल्फा, ये एंगल आपका कितना है थीटा, तो ये एंगल कितना बनेगा आपके पास अल्फा माइनस थीटा, ये टोटल अल्फा, ये आपका थीटा, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास अल्फा माइनस थीटा। आपको क्या शो करना है कि इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है आपका वो कितना हो 90, मीन्स अल्फा माइनस थीटा कितना हो आपका, अल्फा माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो आपकी 90 डिग्री। आपको ये शो करना है कितने टाइम के बाद, इतने टाइम के बाद, ठीक है। तो आप क्या मान के चलोगे कि जो आपका एंगल है दोनों वेलोसिटीज के बीच में वो कितना है 90 डिग्री, और आप टाइम निकाल दो क्योंकि जो टाइम आएगा आपका वो क्या आएगा आपका ये आएगा। तो देखो कैसे निकालोगे आप, सिमिलरली ये वाला रिजल्ट, यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू यू कोस अल्फा ये है आपका, वी साइन थीटा आपका ये है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास ये, तो टेंजेंट थीटा कितना आ जाएगा आपके पास यू साइन अल्फा माइनस जी ओवर यू कोस अल्फा। अब यहां से देखो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई बाई टू, थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो कितना आ जाएगा आपके पास टेंजेंट पाई बाई टू प्लस अल्फा, दिस इज इक्वल टू आपका ये एज इट इज रहेगा, कितना आ जाएगा आपके पास, चाहे इसको डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, यू से यू कैंसिल, ये आपका बन जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस जी टी ओवर यू कोस अल्फा, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या करेंगे अब हम सोल्व करेंगे और यहाँ से इस टी की वैल्यू निकालेंगे, ये जो टी की वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, इसको सोल्व करना आराम से हो जाएगा।